हेलो फ्रेंड, आज मैं पालक पनीर का पराठा बनाऊंगी। मैंने एक गड्डी पालक को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। अब इसे उबलते पानी में डालें, इसे 2 मिनट के लिए उबालें। अब ये उबल चुका है, अब इसे निकाल कर ठंडे पानी में डालें बिल्कुल। ठंडे पानी में डालने से ये हरा कलर बना रहेगा पालक का। अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ। अब पालक को मिक्सी में डालें दोस्तों, इसे बिल्कुल बारीक पीसना है। अब इसमें हरा मिर्च और जीरा डालें। पीसते समय इसमें पानी न डालें। अब मैं गेहूं का आटा ली हूँ और उसमें पालक डाल रही हूँ पीसा हुआ। अब इसमें मोइन के लिए घी डालें। अब हल्का नमक डालें। अब इसे पालक में ही गूंथना है दोस्तों, पानी बिल्कुल नहीं डालें। ये देखिए मैंने गूंथ लिया है। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख दें। अब इसका मसाला तैयार करूंगी। मैंने पनीर लिया है, अब इसमें कुछ मसाला जाएगा। चाट मसाला, गरम मसाला, जीरा, चॉप किया हुआ प्याज, स्वाद के अनुसार नमक। नमक हल्का ही डालें, पहले भी डाली हूँ। थोड़ा लाल मिर्च और पनीर को मसल लें बड़ा बड़ा टुकड़ा में। ये देखिए मैंने पनीर को इस तरह से मिलाई हूँ मसाला के साथ। अब पालक वाला आटा को एक बार मिला लें। अब इसका छोटा छोटा लोइया बना लें। और इसे सूखा आटा लगा कर दोस्तों बेलें। इसे बिल्कुल पतला बेलना है। अब ऊपर से पनीर वाला मसाला डालें, चारों तरफ इसे फैलाएं। अब इसे बीच से काट लें और इसे फोल्ड करना है इस तरह से।
अब इसमें सूखा आटा लगाकर बेलना है दोस्तों। इस तरह से पराठा बनाएंगे, परत बाई परत निकलेगा। अब इसे गरम तवे पे डालूंगी। गैस को बिल्कुल मीडियम रखें और इसे उलट पलट कर लाल करना है। इसे घी लगाकर सेके दोस्तों। ये खाने में बिल्कुल टेस्टी है। इस तरह से पनीर पराठा खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठंडी के मौसम में पालक पनीर खाएं, बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह का पराठा बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल करारा बना है ये पराठा। मैं अभी दिखाती हूँ इसे। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल पराठा तैयार हो गया है सर्व करने के लिए। आप इसे दही चटनी चाहे किसी के साथ भी खाएं, बहुत टेस्टी लगेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं पराठा को तोड़कर दिखा रही हूँ। पनीर चारों तरफ से फैला हुआ है। ये विटामिन से भरपूर है पराठा। एक बार जरूर बनाकर खाएं और बताएं और शेयर करें। धन्यवाद।